फर्स्ट हमें देखो इतने सारे एलोवेरा लेके आया हूँ घर के अंदर लगवाने के लिए। नमस्ते विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज का जो दिन है ना भाई, पूरा ऐसे ही चल गया ऐसे ही, बिकॉज आज ना नेट ही चल रहा, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, उदयपुर के अंदर अभी जो भी चल रहा है उस चीज़ की वजह से। आज राजस्थान के अंदर तो पूरा एकदम नेट बंद है, मैं हमारे घर के अंदर तो चल रहा है बिकॉज हमारे वाईफाई लगा हुआ है ना, बट स्पीड उसके अंदर बहुत ही धीरे आ रही है भाई, मतलब ना के बराबर आ रही है, तो मैंने इतना इंटरनेट चलाया नहीं। एंड अभी चलते हैं बाहर थोड़ा घूम के आते हैं भाई। अब तो मौसम भी साथ देने लग गया, बट यार मैं बारिश का वेट कर रहा हूँ, बहुत दिन से भाई बारिश ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। एंड आज के हमारे दूध वाले भैया नहीं आए, तो इसलिए मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज चाय बनानी है ना अभी। और छोटू क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो दूध लेके आते हैं भाई। हमारे यहाँ पे जो दूध की थैली है ना, वो 23 की आती है, और आपके वहाँ पे कितने की आती है कमेंट करके जरूर बताना। एंड ना अभी बस जल्दी से चाय बन जाए और उसके बाद बाहर चलते हैं कहीं पे। आरती बेटा चाय बनाओ जल्दी। बेटा दूध गर्म हो रहा है। चाय की पत्ती कहाँ है? पर दूध गर्म हो रहा है। पहले तो तू ऐसे बना देती थी, वो गर्म कर रही। पूरी क्या एक थैली का दूध बनाऊं और चाय बनाऊं? आज ना मैंने पूरा पूरा सोच रखा था कि बाहर कहीं पे घूमने चलेंगे, बट अभी भाई माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सो अपन को कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी घर पे ही रहना चाहिए। मैंने सोचा था कि ना सिटी की साइड जाऊंगा आज, बट यार हो भी नहीं पाया। फिर मम्मा भी, आप जानते हो मम्मा जाने ही देंगे मेरे को अभी, है ना। मम्मा ने साफ बोल, मेरे को सुबह रील्स बनाने के लिए मना कर रहे थे, बट मैं बोला नहीं वो तो यहीं पर ही है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है लोकेशन, तो फिर उसके लिए तो मम्मी ने जाने दिया। और फिर बाहर घूमने के लिए भी जाने नहीं दे रहे भाई साहब, सब बोल रहे कि बाद में चल जाना थोड़े दिन बाद। अभी बस जस्ट मैं ना बैठा ही था कि मैं देख रहा था भाई चाय बन जा जल्दी से, चाय पियेंगे। एंड इतने पे दीपांशु का कॉल आ गया कि कहाँ पे, मतलब 8 नंबर आ जा। अब मैं बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ, चाय भी छोड़ के आ गया मैं अपनी उसके लिए। बताओ अब उससे चाय तो पक्का पिलवाऊंगा मैं। ऐसे देखो डेमो देते हुए आ रहा है ना, उसको बोलूँगा चाय पिला चुपचाप जल्दी से। बस मुँह कैसे छुपा रहा है ये? अरे क्या हो गया, क्या कौन से काम करके आया है जो ऐसे मुँह छुपा के जा रहा है? भाई कोई चाय वगैरह कुछ नहीं पिलाई, घर पे लेके आ गया डायरेक्ट। बताओ कैसा इंसान, कब पिलाई बता? तूने चाय कहाँ पिलाई? चाय मैंने कहाँ पिलाई? हाँ। गर्मी में चाय नहीं पिलाऊंगा मैं, देख भाई फालतू में लेकर कोल्ड ड्रिंक पी तेरे खुद की पैसों की। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए और एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए। एंड उसके वो साथ पहली पेमेंट आ गई ना तेरी से। कुछ भी बोल दो बता दो क्या तो अभी सबसे पहले ना आज पापा घर पे बाइक छोड़ के गए हैं, तो उसको पूरी एकदम साफ करके फिर लेके जाएंगे। साफ करके साफ कर, ऐसे बोल रहा हूँ भाई साफ कर। चलाएगा कौन? तू ना तो साफ कौन करेगा? तू बैठेगा? मैं तो बैठूंगा। अरे यार कपड़ा देखना पड़ेगा इधर उधर से भाई, सही में, क्योंकि पापा की कंपनी के उधर इंडस्ट्री एरिया है, तो खड़े खड़े ही बाइक पूरी गंदी हो जाती है। सो अभी जल्दी से इसको साफ करते हैं एंड बाहर घूम के भी आते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे, ज्यादा नहीं घूमेंगे। अभी जस्ट हमें देखो इतने सारे एलोवेरा लेके आया हूँ घर के अंदर लगवाने के लिए। क्रिश के घर से लेके आया था, 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे लिया है, और अब यहाँ पे लगाने वाले हैं हम इस जगह पे। अरे 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 एलोवेरा ही तो यार, एलोवेरा एलोवेरा में जान है बहुत। यहाँ पे देखो तुझसे भी ज्यादा एलोवेरा से करती हूँ मैं, बहुत पेड़ पौधा का बहुत सुरिया करती हूँ, इसको देखना कैसे लगाती हूँ। चलो बॉस सही है ना? अच्छा है। अब देखते हैं मेरे बेटा को कितना एलोवेरा जैसा कर देते हैं। एलोवेरा जैसा? हाँ ठीक है, अभी जल्दी से इनको लगा देते हैं क्योंकि शाम हो गई ना, तो बस अभी अंधेरा होने से पहले पहले लगाना पड़ेगा। है किसमें? नहीं है किसमें, तो ज्यादा अब जितनी थी उतनी लगा। ये हमारे ट्रिगर्ड इंसान, ये मेरे नाना जी, इंडिया आपका अपना भाई।
अभी गर्मी ना इतनी ज्यादा है कि मेरे को अभी नहाना पड़ा फिर से। आज का क्या जो ब्लॉग है ना, मैं 7 बजे अपलोड नहीं करने वाला हूँ, अभी तो 7 से ज्यादा हो चुके हैं। आज का जो ब्लॉग है ना, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक राजस्थान में अभी नेट बस जल्दी से अगर सोच आज हो गया ना नेट चालू 9 बजे से पहले पहले हो जाता है, तो 9 या 9:30 बजे अपलोड कर दूंगा। बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है ना ज्यादा वो राजस्थान की है, सो मैं सोच रहा था कि बस नेट ऑन हो जाए फिर ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। और अभी गत मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ, बिकॉज शाम हो चुकी है ना, तो थोड़ा घूम के आते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने दिया बत्ती किए थे, तो आप भी बजरंग बली के दर्शन कर लो। सामने की साइड का जो मौसम देख के लग रहा है पक्का बारिश आने वाली है। इधर तो नहीं हो रहा है ऐसा मौसम, इधर तो ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, बट सामने की साइड पूरे बादल ब्लैक हो रहे हैं। तो गाइज अभी मैं आया था छत के ऊपर हमारे बिस्तर समेटने के लिए, बिकॉज आप मौसम देखो कैसा हो रहा है भाई, बारिश आने वाली है थोड़ी सी देर में। अगर ये बिस्तर नहीं हटाऊंगा ना सारे भीग जाएंगे। एंड उसके अलावा मामा तो छत पे सोते हैं भाई, आपको पता है बारिश आती है ना धीरे धीरे, मामों को भी फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी सोते रहते हैं, फिर तेज होती है ना तब जाके कहीं से नीचे आते हैं। एंड अभी देखते हैं कितनी देर के अंदर अंदर बारिश आएगी। भाई देखो कितनी तेज यार, मैं तो थक गया बहुत तेज, कितनी तेज बिजली कड़क रही है भाई। मैंने आज पूरा पूरा सोच रखा था कि छत के ऊपर सोएंगे, बिकॉज नीचे भाई बहुत ही तेज गर्मी लगती है, बट आज तो बारिश आ जाएगी, वापस नीचे सोना पड़ेगा। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट के अंदर मेरी गलती में ज़रूर बताना। और आज का ना शायद राजस्थान के अंदर नेट नहीं चलेगा, तो इसलिए मेरे को अब ब्लॉग अपलोड ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना टारगेट नहीं तोड़ सकता डेली ब्लॉग्स का। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मैं अभी फनी रील्स बना रहा हूँ, तो एक बार जाके जरूर चेक करना और बहुत सारे कमेंट्स करना। बाबूड़ा मेरे को पानी पाली की, हाय बोलो, लॉक कर लो। लो अलगाई क्या कर रहे हो अभी, चप्पल बोलो ले लो बेबू सुना के।